अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज बेड न्यूज़ ये थी कि मेरी जो कज़न है उसकी वन ईयर पहले, बिफोर वन ईयर, उनकी शादी हुई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई थी। बहुत अच्छा कपल था और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की नेमत से भी नवाजा। लेकिन उनके हस्बैंड बीमारी में मुब्तला हो गए थे, 2 मंथ से वो ICU में थे, बड़े डिफ़िकल्ट मोमेंट से गुजर रहे थे और कल उनकी डेथ हो गई। कोई सडन डेथ नहीं थी, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था कि उम्मीद नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, बस ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज उनकी डेथ हो गई, मुझे बहुत इंतहा का अफसोस है और सबसे ज़्यादा अफसोस उस बच्चे पे कि वो इतनी छोटी सी उम्र में यतीम हो गया। दूसरा, मेरे लारेब बहुत अच्छी, मतलब लारेब उसकी लड़की का नाम है और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत घरेलू भी कह सकते हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छी है। बहुत बस अफसोस है मुझे इस बात का कि उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज संडे का दिन था, अब मुझे जाना था वहाँ पे, लेकिन मम्मा मेरा वेट करती रही और मैं लेट हो गई, मम्मा चली गई। तकरीबन सारी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो चले गए, मतलब मेरी सिस्टर्स घर में थी और मैं लेट आई थी तो मैं नहीं जा सकी। और जहाँ से आपके साथ भी नहीं आई थी, मैं आई थी रिक्शे में। जैसे मैं आती हूँ संडे वाले दिन, मैं 4 संडे से तकरीबन हर संडे आ जाती हूँ मम्मा के घर, बस माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा कि मम्मा के घर आती हूँ, बहनों से मिलती हूँ। बिरयानी बनाई थी आज मैंने, बना रही हूँ बिरयानी। तो बस यही है कि मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि उसकी मगफरत के लिए दुआ करें, लारेब की ज़िंदगी के लिए, उनकी बेटी की ज़िंदगी के लिए, कि आगे उनकी लाइफ अच्छी गुजरे, उसके लिए दुआ करें। खड़े खड़े मैं थक गई थी, मैंने सोचा बैठ के बात कर लेते हैं आपसे। तो बस यही था कि इंतहा का अफसोस है उसके लिए कि उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मेरे हस्बैंड को, सबके हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुशियाँ दें सबको, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। मेरा था कि चलो बिरयानी बनाते हैं, मेरी फिर बहन ने भी कहा चलो बिरयानी बनाते हैं आप ही। तो किचन पूरा साफ करके गई थी मामा, तो फिर मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेते हैं। मैंने बिरयानी चढ़ा दिए, आई होप देखते हैं कैसी बनती है बिरयानी। जब तक मैं आपको अपने घर का टूर करवाती हूँ। छोटा सा घर है हमारा, 3 रूम्स हैं और किचन है, बाथरूम है। उससे जो पहले हमारा घर था ना, वो बहुत बड़ा था। बस ये कि वहाँ से हमने, वो भी दादा दादी का घर था बेसिकली, और ये हमारा अपना घर है। वहाँ पे हम सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। अपना घर होना भी बड़ी नेमत की बात होती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बात के लिए बहुत शुक्र अदा करती हूँ। 4 मिनट डिप करने रख दिए हैं। ये हमारा छोटा सा वॉशरूम है, ये वॉशिंग मशीन और इस तरह से है, ये बराबर में बिल्कुल किचन है। किचन तो आज मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ। चावल बन रहे हैं, बस ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, फिर मैं आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी इसका। हाँ, मेरी सिस्टर और मोहम्मद सो गए, बिल्लियाँ भी सो रही हैं। मैंने जाए नमाज पे नमाज़ पढ़ी थी अभी। ये देखें, ये मेरा बिल्ला है, ये बहुत प्यारा बिल्ला है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी देखें किस तरह से सो रहे हैं, नींदें पूरी करें। इस कमरे में थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। ये मैं हूँ, ये पहले मैं शादी से पहले बहुत डेकोरेट करके रखती थी अपनी ड्रेसिंग, लेकिन अब शादी के बाद यारी बात हुआ कि हाथ में जो उनके लिए है वो ये सब रखते हैं। वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज के वज़ाइफ होते हैं। तो आज है संडे है, संडे का वज़ाइफ है या हय्यू या कय्यूम, देखिए मैं भी पढ़ रही हूँ, 1000 टाइम्स पढ़ने हैं आज के दिन। और इससे अल्लाह ताला आपको गैब से रोज़ी देगा, या हय्यू या कय्यूम, इंशाल्लाह आप सभी पढ़ेंगे ये सब। हम पुराने घर में रहा करते थे, उसमें एक लाउंज बना हुआ था बहुत बड़ा सा ना, तो उस लाउंज में ये मम्मा ने आया था कुर्सी, और किचन में ये लगाया हुआ था माशाल्लाह, नहीं ये फ्रंट पे लगाया हुआ था, ये लोहे कुरान जो है इसके पैक पे, ये मम्मा ने ना किचन के ऊपर लगाया हुआ था, किचन के हाँ रूम पे। अब ये दोबारा मम्मा ने निकाला है और दोबारा
थोड़ा घर का काम हो रहा है, बहन की भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द शादी है, तो बस इसी इसमें मामा ने ये सब निकाला है। रात में जहाँ से मुझे लेने आ गए थे और ये मोहम्मद देखे मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहा है, खेल रहा है। मामा भी गई हुई थी इंतकाल में, तो वहाँ पे गए थे और अब मैं अपने घर जा रही हूँ।